नमस्कार दर्शक बंधु मु वृंदावन आपण को प्रथमतः हेल्पर ऑफ ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो फ्रेंड्स निजुक्ति इतिहास सबुठार बड़ सुजोग आपण मानक हाथ में रही जहाँकि सब पिला गोटे सुवर्ण सुजोग रेणु ये सुवर्ण सुजोगर निहाती भाव में आपने उपयोग करूँ आहती भाव में आवेदन करूँ कारण ए शिक्षागत योग्यता आपंकर केवल दशम पास आपड़ जदि दशम पास करवल तेल आपड़ आवेदन करें कौन प्रकार आपंकर एक्सपीरियंस दरकार ना या फ्रेशर कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे ता सहित जो रिक्रुटमेंट आसी जहाँकि रेलवे तरफ जहाँकि लेवल वन पोस्ट रही जहाँकि 2019 रु बड़ भर्ती कारण एथेर पदवी रही 1,3769 पदवी रही जहाँकि आट ए टाइम आसी 1,3769 पदवी जहाँकि आपणकर विभिन्न कैटेगरी वाइज पोस्ट जहाँकि रेलवे तरफ आसूँ। तो फाइनाली से जो लेवल वन पोस्ट आसी जाइए जहाँकि ग्रुप डी रिक्रुटमेंट कह जाकि ग्रुप डी रिक्रुटमेंट 2019 नोटिफिकेशन बर्तन आसी जाइए जो थी आपंकर 14 प्रकार पदवी रही जहाँकि 1,3769 पदवी जहाँकि विभिन्न प्रकार जोन रही। तो ये भिडियो आम डिस्कस करवा जो आम भुवनेश्वर जोन कतोटी पदवी रही कौन कौन पदवी रही किपर भाव में आज आवेदन करेंगे सबकि इनफर्मेशन जहाँ भी अच्छे मुझे भिडियो आपको जनइबि तेणु आपति भाव में भिडियो शेष पर्यटन मो सहित जोड़ डिटेल्स इनफर्मेशन जानतु तापर आपण निहाती भाव में आवेदन करंतु आउ अन्य को मध्य आवेदन करापाई निहाती भाव में कहंतु ता सहित आगक बढ़िया ता पूर्व कही रखुच्छी भिडियो को गोटे गोटे लाइक करंतु आ जदि चैनल को सब्सक्राइब करनि ताले निहाती भाव में सब्सक्राइब करनंतु फल आगक ए टाइप रो भिडियो आपण आम चैनल रे देखिबा को पाइबे। फ्रेंड्स रेलवे तरफ जहाँ कि जो लेवल वन पोस्ट रही तो से लेवल वन पोस्ट रिक्रुटमेंट बर्तमान आसी जाइए जो थे कि भेरियस पोस्ट रही सहित टोटाल पदवी कथा जी कह पदवी रही 1,3769 पदवी रही जहाँकि सब जोन टोटाल पदवी रही विभिन्न प्रकार जो जोन रही सब जोन मिसिकी 1,3769 पदवी हो। तो ये मुझे भुवनेश्वर जोन विषय कहबी आमर जो रही आरआरबी भुवनेश्वर रही तो से ही जोन में केते पदवी रही के पदवी रही किपर भाव में आज आवेदन करेंगे आपंकर सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रुकी जहाँ भी इनफर्मेसन अच्छी मुझे जनइबी आपड़ जब अलग जोन में आवेदन करने चाहते निहाती भाव में मुझे डिस्क्रिप्शन में देदे एडवर्टाइजमेंट को आपड़ से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ु और जो जोन में आवेदन करने चाहते से जोन में आवेदन कराई निपक भुवनेश्वर जोन विषय में सबकि कहबी। देखो आम आरआरबी भुवनेश्वर जोन मोट्रे पदवी रही 2,555 पदवी रही जहाँकि 2,555 टोटाल पदवी रही एटी आप देखिपे सब पोस्ट रही जहाँकि प्रथम रही वर्कशॉप असिस्टेंट जहाँकि 212 पदवी रही देन रही ट्रैक मेंटेनर ग्रेड आई बी एप 1,227 पदवी रही असिस्टेंट डिपो जहाँकि स्टोर्स रही 7 पदवी रही असिस्टेंट लोको सेड डीजेल एथपाई 39 पदवी रही असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल एथपाई 25 पदवी रही असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल एथपाई 7 पदवी रही असिस्टेंट पॉइंट्समैन एथपाई 412 पदवी रही असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम एथपाई 87 पदवी रही असिस्टेंट ट्रैक मशीन एथपाई 223 पदवी रही असिस्टेंट टीएल एंड एसी रही 5 पदवी असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप 45 पदवी असिस्टेंट टीआरडी एथपाई 78 पदवी असिस्टेंट वर्क्स एथपाई 133 पदवी असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू एथपाई 55 पदवी रही। ता सहित ए पदवीर जो कम कौन आप जाना चाहते तेल निहाती भाव में कमेंट करूँ तो मुझे स्पेशल वीडियो नहीं आसबी जे सब पदवी में आपड़ कौन काम करा पड़ो तेणु ये जो 14 प्रकार पदवी रही मोटे पदवी रही भुवनेश्वर जोन 2,555 पदवी तेणु आपखे गोटे भल सुजोग रही तेणु आपति भाव तो आवेदन करूँ कारण आपति भाव में एलिजिबल हे जेहतु क्वालिफिकेशन दशम पास रही तो निहाती भाव में एलिजिबल हे तेणु निहाती भाव में आवेदन कराईने ता सहित आवेदन कथा जी कह ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल आउ जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया अर्थात आप जो जोन आवेदन करेंगे से ही जोन ही आपको निजुक्ति मिले अप्लाई मोड कथा जी कह आपल मोड्रे आवेदन करवाक पड़ा आप जो जोन आवेदन करेंगे से ही जोन ऑफिशियल वेबसाइट को जाकि अनल आवेदन करा पड़ो ता सहित आवेदन लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेजी क्लिक करके आवेदन करें आपंकर आप्लिकेसन फी रही 500 टाँचा जहाँकि जेनराल और ओबीसी मानी आपड़ जब सीबीटी टेस्ट देते आम जो सीबीटी टेस्ट रही सीबीटी टेस्ट देलापर आप 400
टाँचा फेरी पाइबे आ 250 टाका रहुछि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एवं ऑल कैटेगरी ओमेन मानक पई एवं आपण जदि सीबीटी टेस्ट देबे तले आपण जो 250 टाका रहिछि आपण फेरी पाइबे एवं ए जो एप्लीकेशन फी रहिछि आपण को ऑनलाइन किमा ऑफलाइन द्वारा पेमेंट करि परिबे आपण जदि ऑनलाइन पेमेंट करबा चाहौछन्ती आपण जतले आवेदन करिबे सेही समय रे आपण क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किमा नेट बैंकिंग माध्यम रे आपण पेमेंट करि परिबे किमा आपण जदि ऑफलाइन पेमेंट करबा चाहौछन्ती तले एसबीआई चालान द्वारा कोनोसी एसबीआई ब्रांच रे जाकी चालान बनाकी आपण पेमेंट करि परिबे ता सते आपणकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाउची जाकी आज ठारु अर्थात 12/3/2019 रो आपणकर आवेदन आरंभ हो जाउची एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रो शेष तारीख रहिछि आपणकर 12/4/2019 अर्थात एप्रिल 12 तारीख रहिछि आवेदन रो शेष तारीख तेणु एप्रिल 12 पूर्व आपणको निहाति भाबे आवेदन कराइ नेबाकू पडिबो ता सते एप्लीकेशन फी डिपोजिट करिवार लास्ट डेट रहिछि जाकी 23/4/2019 अर्थात आपणकर रहिछि एप्रिल 23 तारीख रहिछि एप्लीकेशन फी डिपोजिट करिवार लास्ट डेट ता पर आपण आउ एप्लीकेशन फी को डिपोजिट करि परिबे नाही किंतु मन रखंतु आपणकर एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन डेट रहिछि 26/4/2019 अर्थात एप्रिल 26 तारीख रहिछि आपणकर शेष तारीख या पर आपण आ किछि भी एप्लीकेशन को नै किछि भी करि परिबेने माने कहिबार कथा ला आपण किछि एडिटिंग बा करेक्शन जदि करबा चाहौछन्ति ताले आपण करि परिबे नाही ता पूर्वरु निहाति भाबे आपण को करया को पडिबो देन रहिछि सिलेक्शन प्रोसेस तो सिलेक्शन प्रोसेस कथा जदि कहिबा आपणकर चारटी पर्जा रहिछि प्रथम रहिछि सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देन रहिछि आपणकर फिजिकल फिटनेस टेस्ट देन मेडिकल टेस्ट देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अभी चारटी पर्जा आपणकर सिलेक्शन प्रोसेस रहिछि प्रथम आपणकर सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हे तो तापर मुझ आपर एग्जाम पार्टन हो सिलेबस जहाँ रहा गोटे सेपरेट भिड मुझे आसपी आपड़ी से क्वाफाई कर फिजिकल फिटनेस टेस्ट देन मेडिकल टेस्ट देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एमती भाव में सिलेक्शन प्रोसीजर रही एज लिमिट क्या जी कह 1/7/2019 सुधा निहाती भाव में जेनेल मैं रही 18-33 वर्ष मध्य होता दरकार और ओबीसी मैं रही 18-36 वर्ष मध्य होता दरकार और एससी एसटी मैं रही 18-38 वर्ष मध्य होता दरकार तापर सालरी कथा जी कह आपर सेवेन्थ सीपीसी जो रही सेवेन्थ पे कमिशन रही से पे अनुसार आपको सालरी मिल तो पाखापाखि जब सालरी कथ कह निहती भाव में आपको 18,000 टाका प्लस सालरी मिल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथ जी कह बास आप दशम पास कर दरकार आपति भाव में दशम सर्वनिम्न योग्यता रही दशम पास कर दरकार आप प्लस 2 प्लस 3 डिप्लोमा जहाँ भी दशम पर भी आप हायर लेवल कोर्स करते पढ़ते आप आवेदन करेंगे ध्यान दिंतु निहती भाव में सर्वनिम्न क्वालिफिकेशन निहती भाव में दशम होता दरकार किंवा आपण जदि आईटीआई करते आप आवेदन करेंगे किंवा आपण जो रही एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जदि आपण पाखरे अछि आपण जदि रेलवे रो जाकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं ताले मध्य आपण आवेदन करेंगे आप आवेदन करेंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार देखो प्रथम रही फोटो सिग्नेचर बैंक डिटेल्स कास्ट सर्टिफिकेट देखो प्रथम जो रही फोटो और सिग्नेचर तो ये फोटो और सिग्नेचर रेलवे केमी हम दरकार रेलवे रिक्रुटमेंट तो पूर्व मुझे गोटे सेपरेट भिड आपई पोस्ट करदे चैनल रे आपण माने जानतु देखंतु तार फोटो एवं सिग्नेचर केमती भाव में होगा दरकार तार डायमेंशन कौन रहा दरकार तार साइज कौन रहा दरकार तार रिजर्वेशन कौन रहा दरकार तापर मुझे डिटेल्स गोटे सेपरेट वीडियो बने देछि आपण माने देखि निंतु एवं सेही अनुसार फोटो एवं सिग्नेचर रेडी करंतु एवं अपलोड करंतु तापर बैंक डिटेल्स मध्ये आपणको दाको पडिबो कारण बैंक डिटेल्स दबा द्वारा आपण जो 400 टंका आपण रिफंड पाइबा कथा रिफंड पाइबे 100 टंका जो माने पाइबा कथा से 150 टंका से माने रिफंड पाइ पारे तापर आपणकर कास्ट सर्टिफिकेट तो ये रहिछि सब आपणकर डॉक्यूमेंट्स जाके आवेदन समय निहाती भाबे दरकार तो ये थी आपण मानक पाई गोटे इनफर्मेसन तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे ऑफिशियली वेबसाइट लिंक दे दी आम जो रही ऑफिशियली वेबसाइट www.helperofodisha.com लिंक दे दी आप क्लिक करूँ से आपारे ऑनलाइन अप्लाई लिंक पारे ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट को पारे से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को देखंतु तापर आपण आवेदन करंतु ता सहित जदि एही रिक्रुटमेंट को नै कि जदि किछि भी आपणकर मन रे डाउट थाए क्वेश्चन थाए तले निहाती भाबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु म आपण मानकर आंसर को रक्षा पई चेष्टा करबी ता सहित वीडियो भल लागिले निहाती भाबे गोटे लाइक जदि भल न लागितिबो डिसलाइक एवं जदि चैनल को सब्सक्राइब करनाति निहाती भाबे सब्सक्राइब करंतु फलर आगको एमति लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट म आपण मानक पई नै आसीबी तो आजर बडो कोइट रखुछि पुनि देखा हबो नेक्स्ट एपिसोड रो एक लेटेस्ट अपडेट सहित से पर्यंत विदाई दियंतु जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।